जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, टेक्नो पोवा नियो 5G लॉन्च हो गया है। चलो उसके बारे में सब बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.8 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, वाह भाई। लेकिन कोई डीएसआर देखने को नहीं मिलता है, कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 500 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस दे दिया है, बहुत अच्छा काम किया टेक्नो। और यहाँ पर बस आपको यही सब चीजें देखने को मिलती है, पंच होल मिल जाएगा और नीचे थोड़ा सा चिन्ह, बेजललेस डिस्प्ले। देखो यार, ये जो फोन है 15,500 रुपए से शुरू होता है, डिस्प्ले के स्पेक्स बहुत ज्यादा खराब है। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? सही बोल रहा हूँ भाई, ये 15,500 रुपए का फोन है, हम लोगों को एमोलेड पैनल तक नहीं पकड़ाया। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का क्या ही कर लेंगे आईपीएस एलसीडी पैनल में। बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हम लोगों को इससे अच्छे स्पेक्स ही देते हैं। पोको X4 Pro 5G अभी करंटली सेल में 15,500 रुपए से शुरू हो रहा है, स्क्रीन दिखा रहा हूँ, देख लो। ये तो फिर भी मैं रात के 1:30 बजे का आपको प्राइस दिखा रहा हूँ, जब आप और पहले आओगे तो आपको दिख जाएगा 15,000 रुपए के आसपास। कार्ड लगा लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा। जो पोको X4 Pro 5G है ना, वो 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल देता है, उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 700 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस, 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, HDR 10 का सपोर्ट और 395 का PPI। ये सारी चीजें वो देता है 15,500 रुपए में। चलो सेल के प्राइस को इग्नोर मार देते हैं, लेकिन इसका रियल प्राइस तो शुरू होता है 16,000 रुपए के आसपास से। लेकिन बंदा सेल पे जाके फोन खरीदने की कोशिश करता है ताकि कम प्राइस पे इसको मिल जाए, कुछ पैसों की बचत हो जाए। बात तो सही है। खैर कैमरास की बात करते हैं। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, और देखो यार, टेक्नो लुक्स वाइज कितना खर्चा किया कैमरास में, लेकिन कैमरास के ऊपर खर्चा किया ही नहीं, लुक्स में ही केवल खर्चा किया है। डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, दूसरा कैमरा है QVGA कैमरा, मेगापिक्सल तक नहीं बताया है, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। क्या यार टेक्नो, ये तुम्हारा है 15-16,000 रुपए का फोन? यार बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखो, रियलमी को देख लो, मोटोरोला को देख लो, वहां पर हम लोगों को पोको भी देखने को मिल जाता है, रेडमी जैसा ब्रांड भी है वहां पर, ये सारे जितने भी ब्रांड्स है ना, वीवो को भी पकड़ लो, ये जितने भी है ना, सब अपने फोन में 50-8-2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप तो देते ही देते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा करेंगे ना तो अच्छा सेल्फी पकड़ा देते हैं, 16 का सेल्फी तक दे देते हैं हम लोगों को। तुम तो यार कुछ भी नहीं किए, डुअल कैमरा सेटअप दिए थे, 50 और 8 का कर देते। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का शो सपोर्ट, LPDDR4X एम टाइप, 6000 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ, मतलब कि बंदा एक बार फोन चार्जिंग में लगाएगा तो लग ही जाएगा 2-2.5 घंटा फोन को फुल चार्ज होने में। यार तुम 15-16,000 रुपए का फोन लॉन्च कर रहे हो, कम से कम एक अच्छा फास्ट चार्जर तो दे देते, 25W का ही दे देते, इतना तो कर ही सकते थे यार, 18W बहुत कम हो गया। इसके जगह पे 5000 mAh बैटरी, 18W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देते तो बेस्ट रहता, बैटरी बढ़ा दिए हो, फास्ट चार्जिंग एकदम कम दे दिए। एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको टेक्नो का कस्टम UI देखने को मिल जाएगा, हाई OS, बस यही है यार, और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और 15-16,000 रुपए के रेंज में बाकी ब्रांड्स हम लोगों को क्या देते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर, VC लिक्विड कूलिंग, X एक्सिस लाइनर मोटर्स, ये सब एक्स्ट्रा चीजें वो दे देते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं दिए यार, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एकदम नहीं दिए हो, और ये 15-16,000 रुपए का फोन है, ये क्या बवासीर से पाइस पकड़ा दिया। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लगता है यहीं पर सारा पैसा लगाया है टेक्नो, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी अच्छा नहीं है, मीडियाटेक डिमेंसिटी 810 मिल जाता है, जो 16 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में 20 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, माली G57 MC2 का GPU मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है हाई ग्राफिक्स पे ठीक ठाक गेमिंग करवा देगा, थोड़ा सा लैग होगा लेकिन काम चल जाएगा, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन फास्ट वर्क करेगा। अब तुम लोग बोलोगे सुफियान भाई ये प्रोसेसर तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छी बात तुम लोग कहे, प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस तो एकदम कचरे वाले हैं ना, बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे नहीं है, कम से कम एक अच्छा प्रोसेसर ही डाल देते, Qualcomm Snapdragon 695 दे देते, Dimensity 920 दे देते, कुछ तो एक्स्ट्रा करते, ये वही 810 चेप दिए, क्यों 695 वाले 5G फोन नहीं आ रहे हैं 15-16,000 रुपए के रेंज में? मेरे को तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, Realme 9 Pro 5G है, Poco X4 Pro 5G है, Motorola के भी फोन्स है यार। खैर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, डिजाइन वाइज यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, वही दो बड़े बड़े लेंसेज देखने को मिल जाएंगे, जो आजकल सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स इस डिजाइन को अपने स्टाइल में कर ही रहे हैं फॉलो, रियलमी को देख लो, वीवो को देख लो, अब तो टेक्नो भी करने लग गया, बस पैटर्न्स बदल दिए जाते हैं, बाकी जो कैमरा का स्टाइल है वो तो वैसे ही रहेगा, आपको अच्छा लग सकता है वैसे। अगर आगे से देखोगे तो पंच होल डिस्प्ले और चिन थोड़ा सा रहेगा, बेजललेस डिस्प्ले है। बिल्ड वाइज बात कर ले तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, आगे कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब कि प्रोटेक्शन वाइज कुछ दिया ही नहीं है, IP53 तक का रेटिंग नहीं दिया, जो पोको X4 Pro 5G Motorola के फोन्स, Realme के फोन्स दे देते हैं, ये तो वो भी नहीं दिया। भाषण अच्छा है, कितने सेल्फिश हो।
अब चलो यार बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, केवल एक ही रैम रेट में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 15,500 रुपए, 15,500 रुपीज। यार टेक्नो में तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, 6128 कर देते तो क्या दिक्कत हो जाता। ये तो 15,500 रुपए का फोन है ना, 15,500 रुपए, 16,000 रुपए में कोई 4+128GB वाला वर्जन डालता है कि 6128 करता है। साफ दिखाई दे रहा है तुम हर जगह कंजूसी किए हो, स्पेसिफिकेशंस को कट किए हो जानबूझ के। ऐसा करोगे तो तुम्हारा फोन सक्सेसफुल हो जाएगा, हिट हो जाएगा, कोई खरीद लेगा इसको। बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी तो फोकस करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आज 24 सितंबर है, 30 सितंबर तक Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चलेंगे, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। भले आप कार्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, प्राइस तो कम होंगे ही होंगे इन दोनों सेल्स में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप जाओगे देखोगे तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स और डील्स मिल जाएंगे। आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। यही मौका होता है सभी बंदे जाके दबा के फोन खरीदते हैं अपने अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से। तो जाओ खरीदो, अच्छा मौका है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।